रामपुर से सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और देश में चल रहे चौकीदार शब्द पर तंज कसते हुए सवालिया अंदाज में जवाब देते हुए जवाब मांगा। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि देखिए, इन जुर्मों नारों से बात नहीं बनने वाली है, चुनाव हैं, अब जनता को पिछले 5 सालों के हिसाब बताना पड़ेगा। साथ ही कांग्रेस द्वारा 7 सीटें छोड़ देने के सवाल को बेवजह की इनायत बताते हुए आजम खान ने कहा कि उनसे किसने यह कहा था कि आप ऐसा करिए, बेवजह की मुफ्त की इनायत की क्या वजह है, और आप देख चुके हैं विधानसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, तो हम तो डूबे थे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो यह हुआ था हमारे लिए। अपना अपना चुनाव लड़ें, बहादुरी मजबूती से लड़ें, बल्कि यह कहें कि रायबरेली और अमेठी में भी हमें सपा की इनायत नहीं चाहिए, हम लड़ेंगे, सीना ठोक कर लड़ेंगे और उसी तरह लड़ेंगे जैसे हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान में लड़ा। किसी को एडजस्ट नहीं किया, ना एक सीट सपा को दी, ना ही एक सीट बसपा को दी, ऐसी चुनौतियां कबूल करें। देखिए, इन नारों से, जुमलों से बात नहीं बनने वाली, चुनाव है ये बताना पड़ेगा कि 20 लाख रुपया हर व्यक्ति के घर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वायदे में 10 करोड़ नौकरियां लोगों को मिली या नहीं मिली। जीएसटी से लोगों को कितना लाभ हुआ, इसका आंकड़ा बताना पड़ेगा। आरबीआई के डायरेक्टर ने क्यों ऐसा कहा, क्यों इस्तीफा दिया, ये बताना पड़ेगा। नोटबंदी बगैर आरबीआई की इजाजत के, उनकी सहमति के कर दी गई, इसकी क्या वजह थी, ये बताना पड़ेगा। देश का 80% खजाने का पैसा केवल 10 परिवारों को, पूंजीपतियों को देकर उनके कर्जे माफ कर दिए गए और किसान आत्महत्याएं करता रहा, इसकी वजह बताना पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि 3 तलाक के मामले में मुसलमान मर्द को 3 साल की सजा, तो दूसरे धर्मों के लोग जो तलाक देते हैं, जिनका रेशो मुसलमानों की तलाक से 100 गुना ज्यादा है, उन्हें कितने बरस की जेल होगी। अब मैं कह दूं होशियार, खबरदार, क्या बात हुई, ये बात क्या हुई, इतना स्तर गिरा देंगे आप प्रधानमंत्री के पद का, कितना स्तर गिराएंगे। 135 करोड़ के हिंदुस्तान का वजीर आजम, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसी में फंसा हुआ है। चौकीदार, होशियार, खबरदार, ये क्या बातें हैं।